नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। शुक्रवार से शुरू हुए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। सम्मेलन में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री आज भी सम्मेलन में होंगे शामिल। मौसम विभाग ने कहा 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा बदलाव। 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली के आसपास 24 की रात से 25 के बीच हल्की हो सकती है बारिश। अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट रहेगी जारी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सेना प्रमुख अरोड़ा को किया बर्खास्त। सेना प्रमुख अरोड़ा पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप। ओडिशा में चल रही हॉकी विश्व कप के क्रॉसओवर मुकाबले में आज भारत की न्यूजीलैंड से भिड़ंत। पूल डी में दूसरे स्थान पर काबिज भारत के लिए मुकाबले में करो या मरो की स्थिति। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना होगा मैच। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की अखिल भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिवसीय ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ था और सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा हो रही है। हर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजादी के अमृतकाल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया जाएगा। और अब बात मौसम को लेकर। उत्तर भारत में अगले हफ्ते मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 23 जनवरी से ठंड बढ़ने लगेगी और इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में 24 जनवरी से देखने को मिलेगा। साथ ही 25 जनवरी को भी ये जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान भी जताया, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रोपोगेंडा डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में जो विवादास्पद एपिसोड है उसे शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया।
साथ ही यूट्यूब के लिंक वाले 50 अधिक ट्वीट्स को भी ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री पर बीबीसी की प्रोपोगेंडा डॉक्यूमेंट्री का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। विदेश मंत्रालय पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार पर नरेटिव चलाने की कोशिश बता चुका है। वहीं अब तक देश के तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने भी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश के कुल 302 प्रतिष्ठित नागरिकों ने बीबीसी के खिलाफ एक पत्र लिखा है। इन लोगों में 13 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 33 राजदूत समेत 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह और सशस्त्र बल के 156 सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। पत्र में कहा गया कि बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक गलतियां की हैं। पत्र में ये भी कहा गया कि खुद को स्थापित करने के लिए बीबीसी सनसनीखेजवाद पर फल फूल रहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि ये सब बीबीसी की दुर्भावनाओं को उजागर करता है और उसके पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाता है। और अब वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक स्वराज की। स्वराज के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा संताली के धनुष से निकले हुए तीर और अंग्रेजों के बंदूक से निकली हुई गोली के बीच युद्ध की गौरव गाथा। सारा गोरा लोग को मिला दिया तो मुट्ठी भर भी नहीं होगा। उनके पास ताकत है, बंदूक भी है। बंदूक का एक परेशानी, आवाज बहुत करता है, लेकिन संताली के हाथ से निकला हुआ कमान और कमान से निकला तीर चुपचाप शिकार करता है। उनके हाथ से उनका घोड़ा छीनो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो देखना ना भूलिए धारावाहिक स्वराज हर रविवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। और सुरों का एकलव्य के आज के एपिसोड में फिल्म जगत के मशहूर गायक जतिन पंडित जी प्रतियोगियों को देने वाले हैं सुरों का ज्ञान। अपनी धुनों से मंत्रमुग्ध करने वाले जतिन पंडित जी। सुरों का एकलव्य, आवाज नहीं अंदाज। अपने सरल व्यक्तित्व और मुस्कान से मोहित करने वाले जतिन भाई के गाल बिना मेकअप के पिक हो गए। देखो बेटा, तो देखना ना भूलिए धारावाहिक सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक रंगोली में गीतों से मनाया जाएगा अपना राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस। दोस्तों, इस हफ्ते हम मना रहे हैं हमारा राष्ट्र पर्व यानी गणतंत्र दिवस। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। हमारा देश अगर हमारी आन बान और शान है तो हमारा संविधान है हमारा गौरव। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। अपने देश को सलाम करने और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए देखना मत भूलिए रंगोली। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा। तो देखना ना भूलिए धारावाहिक रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और डीडी प्रीमियर्स के बाद आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने सेना प्रमुख जूलिया सीजर डी को पद से बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने उनकी जगह जनरल
थॉमस मिगुएल रिबेरो पाइवा को सेना प्रमुख का दायित्व सौंपा। वे दक्षिण पूर्व सैन्य कप्तान के प्रमुख थे। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सेना प्रमुख अरुड़ा पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। ब्राजील में हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा सरकारी भवनों पर धावा बोलने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के बाद सैन्य प्रशासन पर कई आरोप लगे। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा कि निश्चित रूप से सेना में ऐसे लोग थे जिन्होंने दंगे होने दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि तख्ता पलट के प्रयास में शामिल सभी सैनिकों को दंडित किया जाएगा, चाहे कोई भी पद हो। और अब बात खेलों की। ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भुवनेश्वर में क्रॉसओवर मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप डी में जहां दूसरा स्थान हासिल किया और स्पेन और वेल्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, वहीं न्यूजीलैंड की टीम को अभी तक इस विश्व कप में सिर्फ चिली के खिलाफ ही जीत मिली है। दोनों टीमों के लिए वैसे ये मुकाबला करो या मरो का है, क्योंकि यहां जो भी जीत दर्ज करेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया। 109 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की सधी हुई शुरुआत हुई। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 72 रन की साझेदारी निभाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। भारत को दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। कोहली 11 रन बनाकर सेंटनर का शिकार बने, जबकि शुभमन गिल 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी जीत के साथ 3 मैच की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।